क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वो भी मुसलमान और हिंदू पर बराबर लागू होती है। तो जब शरिया में क्रिमिनल लॉ है कि चोरी करोगे तो हाथ काट देंगे या आंख को फोड़ देंगे, ऐसे पनिशमेंट दी है, लेकिन जब क्रिमिनल लॉ आती है तो मुसलमान कहते हैं हमें कोई इतराज नहीं है कि शरिया का अवमान्य करके इस देश में यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड हो सकता है, परंतु यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड ना होने के कारण सबसे ज्यादा नुकसान तो महिलाओं को होता है, और महिलाओं के कैसे सबसे ज्यादा डिमांड है वो ओपनली बोलते नहीं है। पहले तो मैंने कह दिया है कि जहां ऑस्ट्रेलिया है, जहां अमेरिका है, वहां मुसलमानों ने मान दिया है। हमारे देश में हमारी देश बनी एक हिंदू देश ब्रिटिश काल में, और सरदार पटेल के कारण जो 600 राज्य थे उसको 500 को उन्होंने सामदाम भेद दर्द से मंगवा कर एक विशाल हिंदुस्तान बनाया। लेकिन आज हमें अपनी अस्मिता के बारे में सोचने की आवश्यकता है। हम भारतीय हैं गणराज्य में, हमारी गणराज्य की पहचान हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी अस्मिता इस मिट्टी की है, और इसमें सारे लोग एक ही हैं। उसका सबूत क्या है? आज की जो न्यू थियोरी ऑफ जेनेटिक्स है, कई चीज नए नए आज विज्ञान आपको नई बातें बता रही है जो हमारे प्राचीन काल से कहते आए हैं, परंतु मकौड़े की दीवी हमारी शिक्षा प्रणाली के कारण एक हीन भावना पैदा होकर हम विश्वास ही नहीं कर सकते थे। अब धीरे धीरे असलियत पता लग रही है। हमारे देश में एक बड़ी सैंपल एक रिसर्च टीम ने विदेश से आकर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने हमारी डीएनए टेस्ट किया। डीएनए माने आपको चमड़ा के एक टुकड़ा से आप तय कर सकते हैं, बाल के सैंपल से तय कर सकते हैं, या रक्त से कर सकते हैं। डीएनए आपको वास्तव में बताती है कि आप कौन से समुदाय के हैं, और डीएनए टेस्ट करने के बाद हमारे देश में यह पता लगा है, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, जर्नल ऑफ जेनेटिक्स यूनिवर्सिटी ह्यूस्टन, उनकी रिसर्च, और ये सारी गूगल से आपको तुरंत मिल जाएगी कि इस देश में हिंदू मुसलमान में डीएनए एक ही है।